हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू दम सब्ज़ी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, ये झटपट से बन के रेडी भी हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। इसको बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। इसको आप बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। आइए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने 400 ग्राम आलू लिया है। इसको हमने कुकर में डाल के एक सीटी में इसको बॉईल कर लिया है। और अब आलू को हम, ये देखिए, हमने छील लिया था और इसको हमने फोक से ऐसे सारे आलू में हमने इस तरह कर देना है। ये देखिए, पैन को हमने गैस पे रख दिया है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डालना है। देखिए, ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हमने जो आलू को हमने फॉक से कट लगा के रखा था, इसको हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। देखिए, आलू को गोल्डन कलर में हो जाएगा फ्राई, तो फिर हम समझ लेंगे कि आलू फ्राई हो गया है। अभी इसको हमने फ्राई करना है। ये जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसमें हमने 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, इसको डाल देते हैं। 1 टीस्पून हमने ये मिर्च, लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून हमने जीरा पाउडर लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसका घोल बना लेना है। ये देखिए, हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। ये देखिए, हमने 5-6 काजू को हमने भिंगा दिया था पानी में। ये और 2 टमाटर को हमने कट कर लिया है। इसको हम सर जार में हम इसको डाल के हम इसको इसका पेस्ट बनाएंगे। काजू और टमाटो का पेस्ट ये रेडी हो गया है। अब इसको भी हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए, आलू गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए, इसी कढ़ाई में, इसी ऑयल में हमने 2 टेबल स्पून और ऑयल डाल देना है। ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हमने 2 तेज पत्ता लिया है और थोड़ा सा जीरा लिया है और 2 छोटी इलायची है और ये हमने थोड़ा सा काली मिर्च लिया है, गोल मिर्च। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। इसका थोड़ा सा फ्लेवर इसमें आ जाता है तेल में, तब हम मसाले इसमें डालते हैं। देखिए, खड़े मसाले इसमें भुन गए हैं ऑयल में। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून हमने ये प्याज को हमने पेस्ट बना लिया था, उसको हम इसमें अच्छे से इसको हम इसमें ऑयल में भून लेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए। इसी में हमने 2 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। इसको हमने ऑयल में अच्छे से भून लेना है, अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए इससे। ये पाउडर मसाले का जो हमने पेस्ट बनाया था, अब इसको हम इसी में डाल देते हैं। टाइम हमने 1 टीस्पून हमने नमक लिया है भर के, इसको डाल देना है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। अगर कम बाद में कम हुआ तो आप फिर बाद में भी डाल सकती हैं। इन सब मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है। देखिए, मसाला अच्छे से भून जाए, थोड़ी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी मसाले में। ये देखिए, मसाला अच्छे से भून गया है, तेल भी सरफेस पे आ गया है। अब इसी टाइम हमने काजू और टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया था, इसको अब इसमें हम डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे तरह से इसमें मिला के भून लेंगे।
ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून हमने दही इसमें डाल देना है, इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके हमने पका लेना है। दही ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छे से हमने मिला के इसको भून लेना है। ये देखिए दही अच्छे से मिक्स हो गई है मसाले में और बहुत अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आ रही है। मसाला एकदम भून गया है अच्छे से। इसी टाइम हमने जो आलू को हमने फ्राई करके रखा हुआ था, अब इसको हम इसी में डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से इसमें मसाले के साथ हमने मिला लेना है। ये देखिए मसाले में आलू को अच्छे से हमने मिला लेना है और उसके साथ हमको अच्छे से भून लेना है आलू को। ये सब्जी बहुत अच्छी बन के रेडी होती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। 5-6 मिर्ची को हमने कट करके रखा था, इसको हम इसमें डाल देते हैं, इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा हमने पानी इसमें ऐड करना है, इतना पानी डालिए कि आपको अभी हमको इसको पकाना है 8-9 मिनट तक इसको हमने पकाना है। देखिए इतना पानी इसमें डालना है ताकि हमारा आलू इसमें पक जाए और गल जाए। अब इसी में हमने 1/2 टीस्पून हमने ये लिया है गरम मसाला, अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी का। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें ये मक्खन डाल देना है, या आप मक्खन डालिए या घी भी डाल सकती हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मक्खन इसी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको हमने ढक देना है और ढक के हमको ये 7-8 मिनट तक हमको इसको पकाना है मीडियम आंच पे। ये देखिए 8 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए। ये देखिए बहुत अच्छी बनी है, खुशबू अच्छी सी आ रही है। अब इसमें हमने थोड़ी सी हरी धनिया को डाल देना है। अब ये देखिए सब्जी आलू दम ये रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। ये देखिए मज़ेदार सी आलू दम सब्जी रेडी हो गई है। ये बहुत ही अच्छी लगती है रोटी से, चावल से, ज़ीरा राइस से, आप जिससे भी खाइए बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये झटपट से बनके रेडी भी हो जाती है और खाने में भी टेस्टी होती है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।